नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी गंगा में। मैं विक्रम आर्य सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का आइकन या फिर नाम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हो, यानी कि उस एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका आप कोई भी गलत इस्तेमाल मत करिएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो लगाएं या फिर उस एप्लीकेशन का नाम चेंज करके अपना जो भी मन हो अपने नाम का यूज़ कर लें उसमें, तो आप ऐसा बहुत इजीली कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने फ़ोन में, और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया है, जिसका नाम है APK एडिटर। मैंने फिर से बता दिया है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिखाने के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल जो है मत करिएगा, जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वो ऐप चाहिए होगी, तो देखिए मैंने जो है वो ऐप इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो मैंने ये एप्लीकेशन खुद ही बनाई थी, यानी कि ये मेरी यूट्यूब चैनल का ही है ऐप। और देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी गंगा, और इसका आइकन भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लिए आप APK एडिटर को वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले एक आपका APK एडिटर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी गंगा, यानी कि सॉरी ये ऐप, कोई भी ऐप। ठीक है, डेमो के लिए मैंने अपनी जो ऐप बनाई थी वही ले ली है। ठीक है, अगर दूसरी ऐप लेता हूँ तो गलत हो जाएगा और कॉपीराइट इशू भी आ जाता है उसमें। चलिए छोड़िए उसको, अब बताते हैं, मेन पॉइंट में आते हैं और ओपन करते हैं APK एडिटर। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ काम कर सकते हो। जैसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, और अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट एन APK फाइल। तो यहाँ से आप APK फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट APK फ्रॉम ऐप, जितनी भी आपकी ऐप इंस्टॉल है उसको सेलेक्ट करके आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो हम करते हैं सेलेक्ट APK फ्रॉम ऐप। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए टेक्नोलॉजी गंगा ये दिया हुआ है। अब इसको हम चेंज करते हैं कुछ, तो हम यहाँ पे फुल एडिट कर सकते हैं, सिंपल एडिट कर सकते हैं, कॉमन एडिट कर सकते हैं। सिंपल एडिट में चलिए मैं बताता हूँ आपको इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। इसके लिए अगर आप चाहो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी सिंपल यूज़ हम जानते हैं इसका, तो कॉमन एडिट पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो चलिए हम नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने विक्रम कर दिया, और आइकन आइकन भी चेंज कर लीजिए। इस पे आइकन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और आपके पास कोई आइकन हो तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप, पहले तो इसका आइकन सबसे पहले देख लो ऐसा है। अब इसको हम चेंज करने के बाद कोई भी आइकन, ओके, तो यहाँ पे मैं और कोई क्यों लूँ, अच्छा डेमो के लिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले पुरानी जो एप्लीकेशन है उसे अनइंस्टॉल करना होगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बैक जाते हैं और इसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं। राइट, तो इसको मैंने अनइंस्टॉल करना है। चलिए सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। अनइंस्टॉल कर लिया। अब APK एडिटर में जाते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए विक्रम जो नाम था वो चेंज हो गया है, और इसका जो ऐप का जो हमारा आइकन था वो भी चेंज हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरह से आप जितनी भी
ऐप्स हैं उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन। चलिए मैं दिखाता हूँ, विक्रम ऐप अपने नाम की। वैसे आप अगर इस ट्रिक को दिखाओगे किसी दोस्त को तो वो अचंभे में आने वाला है, नो डाउट। यहाँ देखिए बन गया है आइकन इसका और यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर किसी ऐप को चेंज करने की कोशिश की है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।